संसद की सुरक्षा में सेंध लगा दिया गया और विजिटर्स पास पर पहुंचे हुए थे। दर्शक दीर्घा में बैठकर संसद की कार्यवाही देखने के लिए जो युवक पहुंचे हुए थे उनमें दो युवकों ने संसद अंदर घुसकर लोकसभा के अंदर घुसकर उन्होंने वहां पर धुआं फैलाया और उसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया गया। दो लोग बाहर थे जो बाहर धुआं फैला रहे थे और वहां वो नारेबाजी कर रहे थे। इन सभी के बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है और आपको बता दूं कि ये जो बड़ी खबर है, हम इस खबर को लेकर आज धरती पुत्र में एक नॉट प्लेस में मौजूद हैं। संसद के बिल्कुल करीब हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए 23 साल बाद एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में सेंध लगा है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है संसद के भीतर से, वो लगातार सांसद के ऑफिस के चक्कर काट रहा था कि उसे संसद भवन अंदर जाने के लिए पास दिलवा दिया जाए और जब उसे पास मिला तो अंदर जाकर उसने सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और यहाँ देश की जनता भी हमारे साथ है। अजय सहरावत बीजेपी से हमारे साथ हैं, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय अरोड़ा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, फजील अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, राहुल लाल हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन करण, चूंकि इस मामले के आप विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, इस तरह की सेंध और सुरक्षा में खासतौर से और तब जब 23 साल पर ऐसे जवानों को आज पुष्प अर्पित किए गए हैं, माला चढ़ाई गई है जो शहीद हुए थे इस संसद की सुरक्षा में। देखिए विद्या जी, मैं बताऊं, हमारे पास सबसे अच्छे सीसीटीवी हैं, हमारे पास सब कुछ है। एक कमी जो चलती आ रही है सीसीटीवी के साथ वो है सीसीटीवी की ऑडिट नहीं होती है, कोई भी ये नहीं देखता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज ही के दिन ये अंदर घुस गए, नहीं, इन्होंने इसकी रेकी करी होगी, पहले गए होंगे, पर ये रेड फ्लैग आगे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी की ऑडिट नहीं होती है। आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसे एआई के भी सॉफ्टवेयर आए हैं, पर एक सॉफ्टवेयर आया जैसे कॉमसर नाम का, जो कि ऑडिट कर सकता है एक घंटे के अंदर कि कौन से लोग जो कभी नहीं वहां देखे गए वो वहां पर आए, कोई अनसस्पिशियस एक्टिविटी उन्होंने करी, कुछ भी किया, क्योंकि ये पहले ट्राई होता है हमेशा। इसकी कमी पिछले 4 साल से चलती आ रही है। हम लोगों ने तिहाड़ जेल में भी एक घटना देखी थी, ताजपुरिया या किसका एक मर्डर जी, तो तब भी ये बात उठी थी कि जब तक सीसीटीवी का ऑडिट नहीं होगा हम बहुत ही अच्छे अच्छे गैजेट्स भी लाते रहेंगे, एक ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत है। और जो पासेस इशू होते हैं इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की डेट में जो मार्शल यहां पे नियुक्त हैं वो हाईली इनकॉम्पिटेंट है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। उन मार्शल्स को, काफी लोग ऐसे हैं जो इन पद पे आए हुए हैं जिनकी ना कोई ट्रेनिंग हुई है, ना उन्होंने कोई एग्जाम क्लियर किया है इस तरह का, और वो इस पद पे बने हुए हैं 10-10, 11-11 साल से। ये मार्शल किस वजह से यहां है? और मीडिया से बदतमीजी करते हैं ये मार्शल, क्यों करते हैं, इनको क्यों इस पद पे रखा हुआ है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात ये है, एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे दिन को चुनना जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही हो, ऐसे दिन को चुनना जब 23 साल पहले संसद पर हमला हुआ हो, और ऐसे वक्त में चुनना जब देश में 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ जीत कर आई है और देश में आतंकी हमले पिछले 9 साल में अगर हम देखें तो ना के बराबर हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं, जब आतंकी कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो क्या देश के भीतर से ही कोई साजिश करने की कोशिश हो रही है, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और संसद के भीतर सेंध लगाने की कोशिश हो रही है? अजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब विदेशी एजेंसियां हमारे देश की तारीफ कर रही हैं, देश में आतंकियों की नहीं चल रही है, पाकिस्तान मुंह के बल गिरा हुआ है, तो क्या देश के भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब कर देना चाहते हैं, ये असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल प्राइमा फेसी अगर देखा जाए, जो इंसिडेंट साउंड हो रहा है उसने वो स्पेसिफिक दिन चुना है इतने सालों के बाद कि जिस दिन पार्लियामेंट पर एक समय पर हमला हुआ था, तो मुझे लगता है ये सूची समझी साजिश के तहत की चीज हो सकती है। हाल फिलहाल एजेंसीज ने इसको टेकअप कर लिया है, अभी मुझे लगता है गैलरीज के जो पासेज है उस पर भी स्पीकर साहब ने बैन लगा दिया है, और इसकी पूरी तह तक जाना और उनको प्रॉपर सजा मिलना, मुझे लगता है जब तक एजेंसीज अपने आउटपुट के साथ बाहर नहीं आती इस पर कुछ कहना, मतलब मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ा सा असमझ का काम होगा, क्योंकि अब जांच एजेंसी ने ऑलरेडी से टेकअप किया है, तो जांच एजेंसी जैसे ही अपना फैसला देंगी उसी के बाद शायद इस पर कोई राय बन पाएगी। ठीक है, लेकिन सूर्य मैथिल जी, क्या देश के भीतर ही बैठे हुए कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देश में शांति है, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आज जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही
मैं ये कहूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखें जब ये लोग नारा लगा रहे थे उस नारे में ये कह रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी और आजादी आजादी, ये लोग किस विचारधारा से आ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, इस मुद्दे पे ना तो कोई राजनीति होनी चाहिए ना कोई आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। ये हमारे देश पर हमला है, ये 140 करोड़ लोगों पर हमला है, देश के संविधान पे हमला है और देश के संविधान के लोकतंत्र पे हमला है। हम सभी को एक साथ खड़े होकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और साथ ही साथ जांच एजेंसियों को पूरा फ्री हैंड देना चाहिए कि इस पे कार्रवाई करें, जांच करें कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि दो तो सदन में थे, दो बाहर, दो और थे जो पता चल रहा है छह, और इन छह को ट्रेंड करने वाले, बैकअप देने वाले, एक लंबी ट्रेल होगी जिसको जांच एजेंसियां पकड़ेंगी। ठीक है, और ये भी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए आपस में संपर्क में थे, कि कहीं फोन कॉल से कहीं किसी और जरिए से ये संपर्क में होंगे तो एजेंसियां इनको पकड़ न ले। आम लोग क्या सोचते हैं, हमारे देश की जनता क्या सोचती है, मैं जरा उनसे पूछता हूं। आपका क्या नाम है? बलदेव चंद भट्ट, मैं उत्तराखंड से हूं। ये जो सेन लगी है सुरक्षा में, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों इस तरह की हरकत की है किसी ने? ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है, लंबे समय से मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो ट्रैकिंग की और जो जिन लोगों ने इन्हें पास दिया है, सबसे पहले उन लोगों की जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने इन्हें पास दिया है, कहीं ना कहीं वो भी दोषी है इस बात को लेकर, वो भी दोषी है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास खान है। हाँ। मैं ये सुरक्षा चूक इसलिए होती है क्योंकि अब सरकारें क्या करती है, बेरोजगार बनाती है, जैसे हमें बेरोजगार जब महिला, अरे वो दोनों बेरोजगार नहीं है, इंजीनियर है जो अंदर घुसे थे। उसका रीजन क्या है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि निर्भया कांड हुआ था 2015 में, मार्शल बस में लगाए गए थे, आज बसों में भी सुरक्षा खत्म हो रही है। ये कोई ना कोई एलजी साहब हो या केजरीवाल साहब, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ा मुद्दा है। 2015 में निर्भया, 12 में निर्भया हुआ था, 2015 में बस मार्शल लगाए गए थे, दिल्ली सरकार ने लगाए, आज एक महीने से सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। महिला की सुरक्षा बसों में नहीं हो रही है तो इस पे कौन ध्यान देगा? क्योंकि सुरक्षा चूक इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये सरकारें कुछ ना कुछ गलतियां करती हैं और जब उनकी लेकिन मैं एक सवाल जो है वो ये है। हाँ बेटा, उनकी आवाज सुनो। हाँ सुनेंगे तो आप बदमाशी करने आए हैं कि बात करने आए हैं? बदमाशी करेंगे तो हम मार्शल को बुला के यहाँ से आपको हटा देंगे। यहाँ बदमाशी नहीं होती है, प्यार से सब कुछ चलता है, प्यार से बात करते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं। लेकिन हाँ अजय अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 13 दिसंबर 2001, आज 13 दिसंबर 2023 वर्ष, आज कोई राजनीति नहीं, मेरे से पहले वक्ताओं ने बात की, कोई राजनीति नहीं। लोकतंत्र का मंदिर, हम लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम संविधान की रक्षा कैसे करेंगे और किसके पास से आया ये भी देखना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी मेरे साथी ने कहा अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने किसी को विजिटर पास दिया है तो सारा दायित्व तो मेरा है, झा साहब सारी जिम्मेदारी मेरी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सोनाक्षी इनको बिठा दीजिए। हाँ सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कल खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया के लोग देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं सुबह 10 बजे, इस विषय पे बात करेंगे। और हमारी एक मांग और भी है, हमारी एक मांग और भी है, माननीय अमित शाह जी बिना राजनीति के, बिना अमित शाह जी इस पे बोले, दोनों हाउस में कुछ बोले ताकि सबको बल मिले, शक्ति मिले। और ये सदमा है, ये बहुत बड़ा सदमा है, ये छोटी बात नहीं है। अगर लोकसभा का पहले सरकार किसकी थी 2001 में, ये सीक्वेंस देखो, आज सरकार किसकी है, इस बातों से। अभी आपने पहली लाइन में कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप अभी एकदम राजनीति करने लगे, तो मतलब इसमें भी आप लोग अपना फायदा देख रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को लग रहा है कि संसद पर अगर संसद की सुरक्षा में चूक हो गई है तो उसका फायदा उठा ले, 2024 में इसका फायदा मिल जाएगा आपको। जा साहब, जा साहब, मैंने कहा राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन सीक्वेंस कैसे बनती है इस पे तो विचार करेंगे। ये विचार तो करता नहीं, ये विचार करना तो बनता है, हम देश के नागरिक हैं, लोग हमें सुनते हैं, पूरा चैनल देखता है, टाइम्स नाउ, नव भारत, धरती पुत्र, आपको पूरा देश देख रहा है, क्या हमारे पूछने का भी अधिकार नहीं है? ठीक है, देखिए जब भी आईना उठाया करे पहले खुद देखा करे फिर दिखाया करे। ये लोग जो अबदर हम शर्मिंदा और तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, 4 इंच चिल्लाने वालों को अपना सिंबल देके चुनाव लड़वाते हैं, कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, वो यहाँ बैठ के कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हुई है। अरे भैया तुम तो वो लोग हो जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की थी, तो तुम सबूत मांग रहे थे बालाकोट एरिक
क्या जाने सुरक्षा जिन्होंने देश की सुरक्षा को आतंकियों के हाथ में। हाँ। विद्या जी देखिए संसद है जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे अगर सुरक्षा में चूक होगी तो देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आखिर ये कमियां कैसे हो रही है। अगर संसद के भीतर ये कमियां होंगी फिर हम आप जो सामान्य जनता जो भारत की 140 करोड़ की जनता है वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी, ये सवाल सबके दिल में आज है। और आज कौन सा दिन है, देखिए 13 दिसंबर 2001 आखिर आज के दिन। राहुल भाई मेरा एक सवाल है, आपसे कि आपने कहा कि हम आप सब लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन हमारे आपके बीच से ही कोई व्यक्ति अगर ये प्लान बना ले, साजिश करे और ये तय कर ले कि ये देश ये घर अगर अच्छा चल रहा है शांति से चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव कर दे ताकि थोड़ा नोटिस में आए कि देखिए भाई साहब ये हो रहा है। विद्या जी 10 साल से सत्ता में है, अब अगर इसके बावजूद भी अगर वो लोग अगर यहाँ पे खुलेआम फ्री होकर ऐसे सोच वाले लोग घूम रहे हैं तो फिर तब तो सरकार की जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा हो जाती है। भारत के टुकड़े करने वाले तो देश के ही लोग थे ना जो कह रहे थे कि भारत टुकड़े कर देंगे, वो कहीं बाहर से पाकिस्तान से तोड़ना आए थे। देखिए एक चीज बता, मैं पूछ रहा हूँ सीधे, वहाँ पे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं संसद में, वहाँ पे पक्ष विपक्ष सारे लोग होते हैं, हर किसी की सुरक्षा सबने मिलकर पकड़ा है उसको, सबने मिलकर पकड़ा है। लेकिन ये घटना घट क्यों गई, देखिए ऐसे स्थिति में अगर सीसीटीवी फुटेज लगता है और उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता हमारे, तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या दावा करते हैं, कि हर एक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, एक चौराहे पे चोर कार्रवाई चोर चोरी करेगा दूसरे चौराहे पे पकड़ लेंगे, संसद भवन में तो ये चीजें होने पर ही सड़क पे आप क्या करेंगे, तो ये सवाल गंभीर है। इस सवाल का जवाब मैं ऐसे लेता हूँ, सवाल है ये कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा में वहां चूक हुई है, वहां सेंध लगाने की कोशिश हुई है, ये बात और है कि जो चीज वो लेकर पहुंचे थे संसद भवन के अंदर उसको डिटेक्ट करना भी बहुत आसान काम नहीं था। अगर जूते में कोई एक वो धुआं फैलाने वाली चीज लेकर पहुंच जाता है और प्लास्टिक में लगाकर पहुंचता है तो वो आसान चीज नहीं है। देखिए दुखद है कि आज भी विपक्ष जब लोकतंत्र के मंदिर पर हमला होता है तो उसमें राजनीति के लिए स्कोप ढूंढता है। मुझे लगता है वहां पर बैठने वाला हर सांसद चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो वो मेरे देश का सांसद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज का हादसा दुखद है लेकिन इसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकना मुझे लगता है शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस के बैकग्राउंड पर जाने लग गया तो पता नहीं कौन कौन से मुंबई और क्या क्या केस निकलेंगे और उसके बाद इनकी जबान पर ताला लग जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आज जो भी घटना हुई वो घटना दुखद है, सिक्योरिटी एजेंसियां उस पर काम कर रही है, उसका आउटपुट ढंग से आने दीजिए लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? कृष्णा सोल बिहार भीख तो नहीं मांग रहे हैं आप, माफ कीजिए आप शारीरिक रूप से अपाहिज हैं लेकिन ड्रिंक करके आए हैं। आप ऐसे लोगों को मैं शो में नहीं बोलने देता, मैं क्योंकि आप शारीरिक तौर पर अपाहिज हैं, है ना, विकलांग हैं, तो मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन कोई दारू पीकर यहां आए और जैसे आज वो दो लड़के या छह लोग मिलकर संसद भवन में कुछ एजेंडा सेट करके गए होंगे वैसे कोई यहां पर एजेंडा सेट करके आए तो वो मैं नहीं चलने दूंगा, है ना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसीब। क्या लगता है कि आज जो हमला हुआ है ये क्या है, क्यों हुआ? ये गलत है। हाँ? ये गलत और है। जो लोग करने वाले हैं करेगा भाई, वो तो होते भी तो होगा ना। हाँ, ऐसा करने की उन्होंने प्लानिंग की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अनिकेत है। हाँ? कहाँ के रहने वाले? यही दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले? बिहार से रहने वाला लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, तो ये जो हमला करने वाले लड़के हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, ये क्या चाह रहे हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें पर पूरी जांच होनी चाहिए किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है, क्योंकि जो ये एजेंडा सेट करते हैं कहीं ना कहीं इनके पीछे भी बहुत हाथ होता है। तो इसको धुआं अटैक भी कह सकते हैं कि संसद के अंदर घुसकर धुआं अटैक करने की कोशिश हुई। हाजी, जब एक सांसद ही वीडियो बना करके लीक करे कि देखो ऐसे संसद होता है, क्या किया जाए और उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, धिक्कार है ऐसे पार्टी को। और जब मोदी जी पर हमला हुआ था, इशरत जहां ने किया था, तो इसी देश का एक पार्टी जदयू ने कहा था कि वो बिहार का बेटी है, माफ कीजिएगा बिहार ऐसी बेटी नहीं पैदा करती है, आप लोग झूठ बोलते हैं, ये हमारे देश के साथ मजाक हो रहा। 2013 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था पटना में मोदी जी को मारने के लिए, कोई नेता कुछ नहीं बोला था, ये एक
सीरियस थ्रेट है। 400 करोड़ रुपए मिले हैं माओवादियों और आतंकवादियों के हाथ में जा करके। मैं गारंटी लेता हूं, बड़े बड़े लीडर को मारने की साजिश हो रही है, संसद को मारने की साजिश हो रही है, आईबी और देश की समस्त जनता और नेता को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ठीक है फजील भाई, मैं आपके पास नहीं आ पाया था, बहुत देर हुई, लेकिन आज जो हुआ वो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जिस तरीके से प्लानिंग अब बातें सामने आ रही कि इन्होंने की थी, उससे ये सब पता लग रहा है कि जो देश में चल रहा है अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया वो सब उनको पसंद नहीं है। भाजपा के एमपी ने पास जारी किया उन लोग को, भाजपा के एमपी थे, अब क्या बोल रहे हैं लोग। भाजपा के एमपी पास जारी करके अंदर जा रहे, चुनावी है 24 तारीख को, 2024 में चुनाव है, और जिस तरह से ये घटना हो रही है, और ये क्या ये बात कर रही है, राजनीति नहीं कर रहे कि तेरे टुकड़े, अब तो मार साबित हो गया कि टुकड़ा कौन करना है देश का। भाजपा के लोगों ने भेजा है प्लांट करके और भाजपा के एमपी ने पास दिया है, ये क्या बात करते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा कैसे। और आप पार्लियामेंट में गए होंगे, हम लोग गए हैं, एक सुई भी नहीं जा सकती अंदर, कोई हमारे जवानों में कोई गलती नहीं है, सुरक्षा जांच में भाजपा ने क्यों भेजा होगा जरा समझाइए। आज रुकिए एक सेकेंड, ऐसे ऐसी बातें करते हैं, ये मजाक की बात है क्या? मुझे वो बात तो समझ में आती है, चल रहा है कि सांसद के घर के वो चक्कर लगा रहा था 3 महीने से। मेरी बात सुनिए, ऐसे 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 फजील भाई ऐसे नहीं, पहले आप समझाइए कि भाजपा ने पास जारी करके 3 या 6 लोगों को इनवाइट करवाया होगा, उसके बाद इस तरह की हरकत हुई होगी, तो इसके पीछे क्या होगा? निष्पक्ष जांच कराइए, कोई लीपापोती इसमें नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी जांच, कोई लीपापोती कर रहा है, विपक्ष के लोगों को भी जांच रखिए। और सुन लीजिए, भाजपा के राज में ही पार्लियामेंट पे अटैक क्यों होता है आखिर? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है कि जिस सरकार बीजेपी की होती है तभी ये लोग क्यों साजिश रचते हैं। आज जब सब कुछ देश में ठीक चल रहा है तो साजिश रचने वाला कौन हो सकता है देश में, और चुनाव 24 में है। आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा इस पर कि भाई साहब जब देश में मोदी मोदी, दुनिया में मोदी मोदी, तो हमारे ही देश के 4 या 6 युवक घुसकर यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार की वजह से हो रहा है, 2024 के चुनाव की वजह से हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के तो पिछले कर्म कांडों में ना ही जाया जाए तो बहुत बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस हर मौके को पॉलिटिसाइज करती है। मैं फिर कह रहा हूँ, वहां बैठा सांसद चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, या किसी और पार्टी का हो, वो मेरे देश का सांसद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो चूक हुई है उसकी जांच हो, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं उनको तथाकथित सजा हो। ठीक है, एक पीछे से व्यक्ति हाथ उठा रहे। जी, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मैं इनसे कांग्रेसियों से एक ही सवाल पूछता हूँ। आज ये कहते हैं कि संसद की छोटी सी चूक हुई या पकड़ा गया, जब इंदिरा गांधी को मारा था, इंदिरा गांधी की खुद की सिक्योरिटी थी अंदर, उस समय कैसे चूक हो गई थी? चूक किसी भी टाइम किसी टाइम पे भी हो सकते हैं, यहाँ भी हम 50 आदमी खड़े हैं, उनमें भी चूक हो सकती है, मुझसे भी अभी चूक हो गई। मैं उन्हें समझकर कि ये देखिए बैसाखी पर आए हैं शो में, मैं उनसे बात करने गया और उनके पास गया तो मुझसे बदबू आ रही थी, तो चूक मुझसे भी हो गई। हाँ, चूक किसी से भी कभी भी हो सकती है, उसको बजाय बलवा बनाने के उसका निदान ढूंढना चाहिए, क्यों हुई और कैसे हुई और उसको आगे रोके। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति ना करे इस विषय को लेकर, बल्कि सभी लोगों को मिलकर इसके बारे में सोचना। ठीक है, सभी लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। तो अभी कौन है जो राजनीति कर रहा है, क्या लगता है? जब लगभग आपके ही चैनल से देखा अभी कि 3 महीनों से वो संसद के पास तकरारी कर रहे थे, तब हमारे सुरक्षा की जो आर्मी थी और वहाँ मार्शल उपस्थित थे वो कहाँ थे? और आज जब वो संसद में कूदे तो उनको सांसदों ने पकड़ा, सुरक्षा कर्मी कहाँ सोए हुए थे? सांसद और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उसको पकड़ा। हाँ, सांसद पे कूद, महबूबा मुफ्ती पे कार्रवाई हो, इस पे महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई हो। इधर से देखिए, ये कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई। साहब, आपके चैनल में प्रश्न करने का हमको अधिकार है, ये अधिकार हमें दिया है डिबेट में आपने, और हमारा पूरा अधिकार है प्रश्न करने का। हम राजनीति फिर नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, 2001 में भी गारंटी ली थी, और जिस प्रकार एक साथी ने कहा कि पांच दिन तक अगर वो होता गया, रेखी करता गया, तो हमारे सुरक्षा कर्मी
हमारा सिस्टम, हमारे देश का सिस्टम कहाँ था? हमें चिंता है देश के प्रधानमंत्री की। अगर लोकसभा में, अगर संसद में ऐसा होगा, हमें चिंता है देश के प्रधानमंत्री। देखिए, चूक तो किसी से भी हो सकती है, पर किस पे विश्वास है आपको कि न्याय होगा? उस पे जिसने पाकिस्तान में घुस के मारा था, या उस पे जिसने 26/11 के बाद कह दिया था हम घर के अंदर बैठेंगे? किस पे विश्वास है आपको? देखिए, आग लग गई इन सबको, आग लग गई, मिर्चा लग गई इन सबको, इन सबको मिर्चा लग गई। जिसने घर में घुस के मारा था, हमें उस पे यकीन है, मनमोहन पे नहीं जो घर में घुस गए थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो घटना है वो निंदनीय है, उसे कोई भी सही सा नहीं कह सकता है। सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई, अभी तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक पूरा प्लान था, अगर किसी सांसद के घर के दफ्तर के 5 महीने तक कोई चक्कर काट रहा है पास के लिए, और उसके बाद जब पास मिले तो वो वहां की कार्रवाई नहीं देखेगा, वहां पर आतंक का माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी होगी और वो किस वजह से वहां पास लेकर पहुंचना चाहते थे और बीजेपी के ही सांसद के घर और ऑफिस के चक्कर क्यों लगा रहे थे, ये भी आप समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए नंबर।